रही आज की हमारी सवारी गाड़ी। काफी दिनों बाद चला रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी, और अभी बाल कटवाने जा रहा हूँ। फाइनली हेयर कट हो गया है, ऐसा लग रहा है बढ़िया। ये देखिए क्या है, ऊंट। ये लोग मतलब इस सीजन में हमेशा घूमते रहते हैं इधर उधर लेकर ऊंट को, और यहाँ पर के लिए नया है तो जहाँ भी जिधर भी ये जाता है उधर लोग भी लगा देते हैं देखने के लिए। ऐसे ही गांव-गांव घूमकर ये लोग मांगते हैं अनाज, ये सब जमा करते हैं। अभी ट्रैक्टर फंसा हुआ है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं निकालने के लिए, देखते हैं क्या हो गया, तो चलते हैं। निकालो गाइस निकालो। आप ट्रैक्टर के साथ जैसी भी लेना होगा, ट्रैक्टर का जो जैसी भी खरीदना। यहाँ से फंसा हुआ था ट्रैक्टर, और ये जो पहले प्रयास किया गया ट्रैक्टर जो आया था, और ये मेन रीजन यही पे फंसा हुआ था ट्रैक्टर। रेस्क्यू लाइट दिखाई है, और ये 4 फीट हद तक हो गए, 4 फीट है वो। रात को रेस्क्यू चल रहा है, 10-11 बजे कहीं से निकला बताइए, पूरा हक देगा, कोई भी नहीं निकला है पूरा। ये मैं बोलूं, अरे पूछे ये चले फरवा था साउंड डालना है यहाँ पे। अभी पहले इसको खोला जा रहा है, यहाँ रॉड से बांधा गया पीछे से, और इस ट्रैक्टर को पीछे खींचा जाएगा, ये वाला जो फंसा हुआ है, और वो जो आया है एक ट्रैक्टर उससे पीछे की तरफ, क्योंकि इसका रोटावेटर नीचे फंसा हुआ है। रोटावेटर को खोल को हटाया जा रहा है, खोल कर इसको हटा दिया जाएगा ताकि पीछे का वजन हट जाए, उसके बाद ट्रैक्टर पीछे की तरफ खींचा जाएगा। काफी टफ है, करीब 2 घंटे से ये किया जा रहा है, मोर देन 2 आवर्स हो चुके। पानी भर गया है, अरे बहुत गड्ढा है देखे नहीं, चल, चल, इसका गोटी भी नहीं दिख रहा है। चल, 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 चल,
ठीक है चलो नाम फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, रॉड बाहर निकल गया, दूसरे ट्रैक्टर से अटैच किया गया था। आगे एक और ट्राई किया जाएगा। फाइनली रोटावेटर बाहर आ गया, निकल अब ट्रैक्टर का रेस्क्यू हो रहा है। रोटावेटर निकल के साइड कर दिया, अब ट्रैक्टर का रेस्क्यू होता। और तो ना लगी, यहाँ पे एक रॉड लगाया गया, दूसरा रॉड इसमें बेड़े की वजह से क्या किया, ये खेत है, पानी लगा। निकल गया ट्रैक्टर, निकल गया, गड्ढा कितना होगा।